तेरा फितूर गाने को धमाकेदार लॉन्च किया गया। जो तस्वीरें देख रहे हैं काम्या चौधरी, अभिनेत्री काम्या चौधरी की तस्वीरें देख रहे हैं। इस गाने में रोमियो और काम्या चौधरी हैं, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, रोमांस से भरा हुआ सॉन्ग है गाना। और इस गाने में धमाकेदार काम किया है, अभिनय किया है काम्या चौधरी ने, रोमियो ने। तस्वीरें जो देख रहे हैं तेरा फितूर गाने के लॉन्च के समय की तस्वीरें हैं। काम्या चौधरी ने मीडिया से भी बात किया है और काफ़ी खुश नजर आ रही है, क्योंकि पूरा जो गाना है रोमांस, रोमांटिक लव गाना है, प्यार भरा गाना है, रोमांस से भरा हुआ गाना है तेरा फितूर गाने के लॉन्च के मौके का ये तस्वीर है। और कितना खुश नजर आ रही है अभिनेत्री काम्या चौधरी। मैम यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट यहाँ पे Thank you. Hello. उन्होंने कलर चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। सबको मिल गया, टाइम पर लाइक सारे भी वेटर से परेशान। Congratulations. Thank you so much. ये जो तो लगा था तो क्या आपके लिए कुछ सरप्राइज़ होगा? आज वो दिन आ गया आपको सरप्राइज़ देने का। मेरा आई केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस रखा। आप सबके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग की है फितूर की। सो आई थिंक आप लोग फितूर एक गाना नहीं, मेरे लिए तो मेरा पैशन है, मेरा प्यार है फितूर। तो अभी एक हम लोग फितूर एक गाना है, हम लोगों ने गाना बनाया है, बड़ी शिद्दत से लिखा है मैंने, बड़ी शिद्दत से गाया है, परफॉर्म भी किया, उसमें एक्टिंग भी की है। अभी आपके लिए प्ले करेंगे, आपको पसंद आए तो आप बताना, फिर आगे देखते हैं। सो अभी स्क्रीन में हम लोग अभी स्क्रीन में फितूर पूरा गाना देखेंगे। एंड पहली बार ये होने वाला है, जितना मेरे को मालूम है ये पहली बार होने वाला है कि मीडिया के हाँ बोलने पर आई विल लॉन्च माई सॉन्ग राइट नाउ आपके सामने, बिना कोई लेबल के, बिना कोई म्यूजिक कंपनी के। आई विल रिलीज इट राइट नाउ, अगर आपको पसंद आ गया तो, दैट्स ओनली इफ अगर आपको पसंद आया एंड आप हाँ बोलते हो कि रिलीज़ कर देना चाहिए फितूर, आई विल रिलीज इट राइट नाउ आपके सामने एंड आई विल रिलीज इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। दिस एंड ये प्लान भी इसलिए किया है बिकॉज आप सब ने इतना प्यार दिया है मेरे को, जब से फितूर का पोस्टर आया है, मेरा वॉइस आई है, मेरा नाम आया है या फिर मेरा फेस रिवील हुआ है, आप सब ने इतना प्यार दिया मेरे को, मैंने डिसाइड कर लिया कि इफ़ आई लॉन्च माई सॉन्ग मीडिया के साथ ही लॉन्च करूँगा मैं। यस प्लीज़ वील डू अ राउंड टू
मेहर आपका ओपिनियन जानेंगे कि आपको कैसा लगा सॉन्ग। यस थैंक यू। बस ने पूछा सर आपको कैसा लगा, थोड़ा एनर्जी से बोल दो यार, अच्छा लगा तो ये अच्छा था। सो अभी आपके सामने YouTube पे वीडियो अपलोडेड है, पब्लिश करना बाकी है। आई विल पब्लिश इट राइट नाउ अगर आप बोल दो अच्छा है। डन डन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फितूर को मैंने कभी गाना सोचा ही नहीं था। फितूर मेरे लिए मेरा प्यार है, मेरा आर्ट है, तो उसको वी थॉट फराज सर एंड सब ने मिलके सब एवरीबडी ऑन द टीम, फितूर टीम, क्रू, कास्ट, एवरीबडी का यही प्लान था कि फितूर शुड लुक लाइक अ मूवी एंड नॉट लाइक अ वीडियो सॉन्ग। तो हम लोगों ने उसको ऐसे बनाया, इट लुक्स लाइक अ मूवी। एंड जो मैंने जो शिद्दत से मैंने गाना लिखा था उसी पैशन से वीडियो बाहर आया है। कहाँ पे शूट हुआ है रोमियो? ये हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कितना मजा आया आपको, कितना फोन पसंद? मजा तो बहुत आया, ठंडी में -4 में शूट कर रहे थे, -2 में शूट कर रहे थे। लोग भी तो बहुत अच्छे थे साथ में। या यार लोग भी बहुत अच्छे थे साथ में। सो आपके सॉन्ग आप काफी इमोशनल थे, आपके मॉम भी काफी इमोशनल थे, तो कुछ मोमेंट के बारे में बता सकते हो? सो ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि इतना प्यार मिलेगा, फितूर के पोस्टर को इतना प्यार मिलेगा, फिर मेरे नाम को इतना प्यार मिलेगा, सोचा नहीं था। इन फितूर देखने के बाद इतना प्यार दिया, सीटियाँ बज रही थी, तालियाँ बज रही थी, सब ने तालियाँ बजाई, तो वो दिल को लग गया यार, ऑडियंस को पसंद आ गया करके। अब ये फितूर और फितूर समझो, उसको ना गाना बोलो ना पिक्चर बोलो, फितूर फितूर है अब। कामया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू से थैंक यू। आपको बहुत पसंद आया, मैंने अभी अंदर थिएटर में सबका रिस्पॉन्स देखा और सब तालियां बजा रहे थे, उससे ज़्यादा और क्या ही, उससे ज़्यादा लाइक वर्ड्स में तो क्या ही होता, रिएक्शन से पता लग गया कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, आज भी आया है। और बस हम साथ में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सबको अभी जो भी लोग देखेंगे अभी यूट्यूब पे सबको पसंद आए, हमने बहुत मेहनत करी है। और -4 डिग्री में ठंडी इतनी ठंडी में जम जम के ठंडी की उसमें पसीने वाए, ठंडी में पसीने वाए हमने। yes. तो बस जाइए, मतलब जाइए तो कहाँ, यूट्यूब पर देखिए और शेयर करिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए फितूर को एंड अपना प्यार दीजिए। सर यस एग्जैक्टली, जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं साजिद, मिस्टर साजिद कुरैशी, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें बनाना है। तो क्योंकि नॉर्मली म्यूज़िक वीडियोज़ जो हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि उसमें मोंटाजेस आपको देखने को मिलते हैं, स्टोरी वाइज थोड़ा सा कम वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन इतनी एक पूरी फिल्म को एक सॉन्ग के अंदर फिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए था मेरी टीम का, एक्टर्स का ऑफ कोर्स। तो एक स्क्रिप्ट हमने लिखी और फिर हमने बस बना दिया। सोच लिया कि बनाना तो है
एंड ये नहीं सोचा था कि कैसा बनेगा या क्या बनेगा, बट दिल से हम बनाना चाहते थे उसे. ऑफ कोर्स दोनों एक्टर्स रोमियो और कामिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया, उसके अंदर बहुत सपोर्ट किया. एंड सेम थिंग फ्रॉम द टेक्निकल टीम के, उन लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि हम ये बना पाए. हालांकि जो जहां हमने शूट किया है वहां का वेदर हमें अलाउ नहीं कर रहा था इस तरीके से शूट करने को, फिर भी हम सब लोगों ने मिलके कोशिश की है. उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगी और आई होगी और आगे भी लोगों को पसंद आएगी. सर कहीं ना कहीं ये फिल्म का ट्रेलर कह सकते हैं आने वाले फिल्म पर बनाएंगे. आपको लगा ये ट्रेलर ये पूरा 100% लगा. थैंक यू वेरी मच. यहीं पर एक जीत हो जाती है हमारी. आपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया, हम गाना नहीं कहेंगे. जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस गाने के अंदर पूरी एक कहानी है, पूरी एक फिल्म की जो कहानी होती है वो बताने की कोशिश की है. और अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये एक फिल्म का ट्रेलर लग रहा है, इसके अंदर एक फिल्म की कहानी है, तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं. आई थिंक उसको सीक्रेट नहीं देते हैं. जैसे ये आज का सीक्रेट था, इससे बड़े सीक्रेट आएंगे आगे. रोमियो सीक्रेट ज़्यादा रखते हैं. और आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या है इसके अलावा? इसके बाद और भी गाने आएंगे, और भी पिक्चरें आएंगी, मूवीज आएंगी, फिल्म आएंगी दिस ईयर. बिल्कुल बिल्कुल इंतज़ार कीजिए और इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम. राइट, आई थिंक दिस इज फराज सर का विजन पूरे फितूर के वीडियो को लेकर. बाकी सब ने तो मेहनत की है, अपने दिमाग लगाया, मेहनत की है, खून पसीना बहा है वीडियो में. बट आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर फराज सर, इतना मोटिवेट किया मेरे को एंड इतना हेल्प किया एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, बहुत चीज़ों में हेल्प किया सर ने. ओके रोमियो, तो पहले तो आपका लुक के लिए काफ़ी चर्चा हो गई, अब ट्रेलर सॉन्ग आ चुका है, तो ट्रेलर कब तक आएगा, उसके लिए कितनी चर्चा होने वाली आगे आपको पता है, तो ट्रेलर कब तक आएगा? या आपने जो देखा हुआ गाना है, हाँ, इसको अगर जितना प्यार आपने पहले दिया है उतना ही प्यार दोगे तो उसकी पिक्चर भी बन जाएगी, पिक्चर ही बाहर आ जाएगी. लिरिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो गाने के लिरिक्स मैंने ही लिखे हैं, गाना भी मैंने बनाया है, गाना गाया भी मैंने, गाना एक्टिंग भी मैंने कर लिया है. वन मैन शो? या वन मैन शो नहीं बोलूँगा, इट वॉज पूरे टीम का एफर्ट, माई को एक्टर, माई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबका टीम एफर्ट था. आपने क्लाइमेक्स को बाहुबली की तरह छुपा के रखा है, जो गाड़ी ऊपर आते हैं. आप बताओ सीक्वल देखना है? देखना चाहते हैं तो फिर बनाना पड़ेगा. सरप्राइज बनाना पड़ेगा और एक. बिल्कुल बनाना पड़ेगा. अगर इसको आप लोगों ने और लोगों ने प्यार दिया और जैसा कि रिएक्शन से अभी पता चला है जिस तरीके से पसंद किया है, तो जरूर सोचेंगे कि इसका आगे क्या हो सकता है. ओके मैम, मैम बहुत मज़ा आया. आई हैड एन अमेजिंग टाइम विद एवरी वन. लगा ही नहीं कि मैंने किसी लाइक पहली बार इन लोगों के साथ में काम कर रही हूँ. हमारे सर, DOP, एवरी वन ऑन सेट वाज सो अमेजिंग. इवन हम 15 दिन वहाँ पे थे, गाना बस हमने बस वही यही था कि हर एक दिन को हमें काउंट करना है कि बस हम अगर ये सीन करें तो हम इसमें पूरा 100% जान डाल रहे थे. तो बस दैट्स हाउ वो होते 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 पूरा गाना इतना अच्छा बन गया कि एक एक सीन को हमने. पर ऐसा नहीं था कि सर, डायरेक्टर सर ने हमारे इतना प्रेशर डाला कि नहीं काम है, ऐसा करो. इतना सर इतने सपोर्टिव थे सीरियसली कि लगा ही नहीं कि भाई बहुत प्रेशर है, शूट करना है, ये है. बहुत स्मूथली मेहनत की है बट बहुत स्मूथली निकल गया. आपको दिखाई होगा स्क्रीन पे. और तो आपने एक डायलॉग बोला, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? आपको एक तरफा प्यार हुआ था कभी? आई थिंक प्यार एक तरफा हो तो बेहतर है, सामने की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती. प्यार एक तरफा हो तो वही असली प्यार है, जब तुम प्यार दो ना तुम एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला मुझसे प्यार करे. एंड बीइंग अ शाहरुख खान फैन, आई वांटेड डायलॉग यहाँ पर. इस गाने से क्या उम्मीद है आपको बॉलीवुड में अपने एंट्री बारी में? बहुत छुप छुपा कर मीडिया से हर चीज से गाने को अच्छा बनाया है, क्या कहना चाहिए? हां जी, इसकी स्ट्रेटजी कहना चाह रही है.
आगे का प्लान तो मैंने बोला, जैसे आपको बताया बहुत सारे गाने आएंगे, बहुत सारी मूवीज भी आएंगी। इट ऑल डिपेंड्स आपके प्यार पे, ऑडियंस के प्यार पे, मीडिया के प्यार पे कि आप लोग कितना प्यार करते हो गाने से। जितना पैशन से मैंने बनाया है उसी पैशन से यार उसको प्यार करो तो और भी चीज़ें आएंगी। गाना गाने के लिए प्यार दो तरफा होना चाहिए। यार दो तरफा प्यार चाहिए ऑडियंस से। पहले तो मैं बता दूँ ये सब प्लान नहीं था। फर्स्ट सिर्फ मेरा पोस्टर आया फितूर का, आपने प्यार दिया, फिर मेरा वॉइस आई, मेरा नाम आया, मेरा फेस आया, आपने इतना प्यार दिया, इसलिए मैंने ये हिम्मत जुटाई कि मैं आगे एक स्टेप बढ़ूँ। एंड आज फितूर लॉन्च होता नहीं होता मेरे को नहीं मालूम था। मैंने बोला सब मीडिया पे एंड ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, इफ़ दे लाइक द सॉन्ग, उनको पसंद आता है तो आई विल रिलीज इट उनके सामने ही विदाउट एनी म्यूज़िक लेबल। आई विल रिलीज इट ऑन माई ओन चैनल एंड आपके सामने मैंने रिलीज़ कर दिया आपके अप्रूवल पे। बिकॉज ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, मेरे लिए मीडिया एंड ऑडियंस का अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वॉन्ट एंटरटेन देम। यस मैं गा दूंगी तो प्यार आधा, बट काट मत देना मेरी आवाज सुन के, आई एम अ गुड सिंगर बट आई कैन लाइक या तेरे आंखों में देखूं ये सारे नजारे, मेरे सीने पसर रख तुम ले लो सहारे, तेरी जुल्फों को बस ये नजरे निहारे, हवाओं से उलझे और तू सवारे, मेरी दुआओं में शामिल है तू, सारे खुशियों के काबिल है तू, मेरी दुआओं में शामिल है तू, सारी खुशियों के काबिल है तू, ये दिल तुम पे आ ही गया, तेरा फितूर मुझ पे छा ही गया। इल साउंड वेरी चीजी जब मैं बोलूँगा, बट माई फादर एंड माई मदर बोथ ऑफ देम हैव वर्कड सो हार्ड मेरे लिए एंड ये यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरे को स्पेशली माई मदर, फादर, माई सिबलिंग, मेरे भाई बहन अमरी, नदनान, सब ने इतना मोटिवेट किया है। दे हैव बीन माई इंस्पिरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड आई हैवन सीन एनी मैन वर्क दिस हार्ड सामने सामने एज आई सीन माई फादर वर्क एंड ही मेड माई ड्रीम कम ट्रू आज जो है फितूर। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो मैं गाना बनाता ही नहीं एंड ना मैं आज यहाँ पे होता आपके सामने। आई थिंक जैसे रोमियो विल बी रोमियो एट हार्ट ऑलवेज, हमेशा रोमांटिक गाने भी आएंगे, रोमियो का दिल टूटेगा तो सैड सॉन्ग्स भी आएंगे, रोमियो खुश है तो हैप्पी सॉन्ग्स भी आएंगे, पार्टी सॉन्ग्स भी आएंगे, जो ऑडियंस का डिमांड होगा उस पे गाने आएंगे। थैंक यू। रोमो भैया